हेलो सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मॉन्स्टर्स के ऊपर कि हमें कौन सा मॉन्स्टर हंट करना चाहिए। ठीक है, इस तो इसके ऊपर ये पूरी वीडियो होगी, कौन कौन से मॉन्स्टर हमें हंट करना चाहिए जो कि हमारे लिए ज़रूरी। हम ऐसी कोई किसी भी मॉन्स्टर को हंट कर देते, देखते भाई डैमेज ज़्यादा ले रहा है कम ले रहा है उसके अकॉर्डिंग कर देते होंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है गाइस। हम अपनी एनर्जी प्रॉपर वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो यार चलो हम वीडियो बताते हैं आपको, बताते हैं कि कौन सा मॉन्स्टर आपको हंट करना चाहिए जिससे कि आपके गियर्स में इम्प्रूवमेंट हो, कौन सा गियर बनाना चाहिए ये सारा आपको लगभग अब तक पता चल ही चुका है। ठीक है, इस तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो जैसे ही आप जैसे यहाँ जाते हो, जैसे आप देखते हो अब ये कुछ एक्स्ट्रा हमें फ्री में मिलने लग गए। और ब्रेन मिल गई, इसी की तो ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है बट ये बहुत कम दे रहा, कोई नहीं। तो ये हमें एक्स्ट्रा मिल गया, प्लस में हमारे पास गियर सेटअप होते हैं। हमें देखो मेरे पास गियर्स आप देख सकते हो कितने, अभी तीन तो ये अपग्रेड पे, ठीक है, दो तीन ये रहे अपग्रेड पे, छः और एक नीचे, सात आठ नौ दस ग्यारह मेरे पास इक्विपमेंट्स है जिसको मुझे अपग्रेड करना है, बट मैं किसी को अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो आपको ना ही कोई ऑनगोइंग अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें बात मेन करना है कि हमें कौन सा मॉन्स्टर हंट करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम ऑल इक्विपमेंट में जाते हैं, जैसे हम चेकआउट कर लेते हैं भाई किसका कितना डैमेज है, बस उस गियर पे ध्यान दे देते हैं, बट हम ये ध्यान नहीं देते उसका मटेरियल कैसे आएगा, कितना आएगा, कौन आएगा, नहीं ध्यान देते। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, समझ रहे हो मैं किस पे, इवेंट इक्विपमेंट, ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर आप इस साइड में देखो सारे मॉन्स्टर्स के नाम आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको जस्ट करना है क्या, या तो गोल्ड पे कर क्लिक करके रखो या फिर ऑरेंज पे क्लिक करके रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता चैम्पियन गियर, जो कि आपको पता है हमें इसके लिए मॉन्स्टर हंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पैक वगैरह परचेस करना होता है। तो जस्ट मैंने क्लिक किया, अब यही है, या तो ऑरेंज पे कर लो या तो गोल्ड पे कर लो। ठीक है, तो जैसे गोल्ड पे मान लो हम नॉर्मली यार गोल्ड पे रखते, ठीक है, क्योंकि मिथिक करना तो यार अभी फ्री टू प्ले के लिए उतना ईजी तो नहीं है, बट हाँ गोल्ड करना भी बहुत मुश्किल है, बट हाँ कर तो सकते हैं कोशिश यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि मिथिक में तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए अलग ही ब्लेजिंग वगैरह परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इवेंट से नहीं मिल पाता कि हम सारे मिथिक कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ गए, तो अब ये तो चैम्पियन गियर है, अब हमें क्या करना है, सरपेट पे जाना, ये क्योंकि हम इस मॉन्स्टर को आप हिट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या है गोल्ड पे, अब गोल्ड पे हमें जस्ट इसके जो इक्विपमेंट्स है ना उसको हमें देख लें कि हमें कौन सा इक्विपमेंट किस काम में आ रहा है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी इन्फेंट्री और शायद कैब का मैंने गियर सेटअप दे रखा है, बाकी एक मिक्स सेटअप भी दे दूंगा और एक रेंज का भी सेटअप दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना आपको कौन सा मॉन्स्टर सूटेबल है, उसके गियर्स का नाम लिख लेना, फिर उसके हिसाब से मॉन्स्टर देख लेना। तो यार मुझे नहीं लगता यार ये सरपेंट जो मॉन्स्टर है इसका कोई गियर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसका कोई चाहिए नहीं, इसका मतलब सरपेंट को छोड़ दो, आपको इसको हिट करने की जरूरत नहीं है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद हम आर्कटिक पे जाते हैं, ठीक है, जो स्नो वाला होता है वाइट कलर का पेंगुइन जैसा। ठीक है, हम इस पे गए तो इसका कुछ चेक किया तो कुछ गियर इसके भी अब तक खास नहीं दिखे, इसके भी गियर कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब ये गए नेक्रोसिस पे गए सेट पे, ठीक है, हड्डियों का ढांचा जैसा जो बना होता है। ठीक है, अब इसका हमने इस पे भी कुछ हाँ, तो इसका जो बुक ऑफ डेथ है ना इसको मैंने शायद एक बार रिकमेंड कर रखा है, क्योंकि एडिशनल में रिकमेंड कर रखा है इसको। ठीक है, क्योंकि मिथिक तक जाता है तो बढ़िया पाव देता है। चलो ठीक है, चलो मिथिक पे ही करके देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो बुक ऑफ डेथ मैंने रिकमेंड कर रखा है, ऐसे अगर हम देखें क्या मिथिक पे देखें तो हमें आर्कटिक का भी बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अगर नीचे जाते देख सकते हो कैब और रेंज 42% पे है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो कैब और रेंज के लिए, बट मिथिक पे बेस्ट है, अगर गोल्ड करते हो तो यहाँ 30-30। ठीक है, अब इसके बाद आप नेरोसिस पे गए, तो आपने नेरोसिस का एक देखिए बुक ऑफ डेथ देख लिया, उसके बाद तो कोई बेटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद गोरिल्ला, यार गोरिल्ला का सेट बहुत बढ़िया है। ठीक है, गोरिल्ला का देख सकते हो यहाँ बिल्कुल ही, अगर मिथिक पे करते हो तो क्या था, अब गोरिल्ला में देखो कैब अटैक बहुत बेस्ट है, अब अपर वाला देख लो 52% कैब अटैक देता है मिथिक पे, और अगर गोल्ड करते तो 37, तो देख सकते हो आप मिथिक पे। ठीक है, और इसका जो नीचे है राउडी रिजॉल्व, तो इसको भाई ये तीन आपको बनाने सोच लेना, क्योंकि यार कैब 35% दे रहा, सोचो 105% यही दे देगा आपको,
उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो बस कुछ खास नहीं, ये दो ही आपको मिलते। तो मैं तो कहूँगा यार गोरिल्ला पे ध्यान दो तो बेटर है मेरे हिसाब से, अगर कैब का गियर सेटअप बनाना चाहते हो तो। क्योंकि कैब में मैंने आपको ईवन एक्स के बारे में भी बताया है और राउडी रिसॉल्व के बारे में बताया है, दो मैंने बताया ही बताया, अगर ध्यान दोगे तो। कैब वाला सेट मेरा जाके देख लेना ठीक है। और ये कोटेज रोर सेट का है, इसका देखते हैं ठीक है। अब इसका देख लो वो है, अब इसमें देखो पहले क्या है, अब इन्फेंट्री का सबसे ऊपर वाला देखो क्या बात है, 45% दे, तो इसको मैंने रेकमेंड कर रखा है ठीक है। और सेकंड नंबर पे है वो भी 42 दे रहा है, तो ये भी एक तरह से ठीक है ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो। अब ये हम चाहते हैं हुड क्लाउ सेट के ऊपर, तो इसमें जो है लूनर बूमरजेंग बूमरेंज जो भी है बूमरेंज, तो इसका भी कैब सेटअप ठीक है, कैब में मैंने इसी का नाम रिकमेंड कर रखा है ठीक है, क्योंकि ऑफ एंड में जाता है ये। और इसके बाद आप नीचे यहाँ पे भी देख सकते हो क्या 20 ली वाले पे रेंज अटैक 49% है ये सेकेंड वाला, तो फर्स्ट और सेकेंड इसका भी बेस्ट है। अब हम इस पे जाते हैं यार, तो यार स्टैम्पेड सेट तो ये हमें ऐसे नहीं मिलता मोस्टली, हमें इसके लिए स्पेशल पैक परचेज करना पड़ता है, यहाँ आप देख सकते हो स्पेशल बंडल फ्रॉम मॉल ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हार्ड रॉक्स पे जाते हैं तो ट्रेनिंग स्पीड देता है बस, और कुछ खास नहीं इसका ठीक है, और बहुत मुश्किल से बनता है ठीक है, तो हार्ड रॉक्स पे ज़्यादा मेहनत ना करो तो बेटर है, बाकी कर लो तो भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग स्पीड 7 और ऊपर 14% दे रहा है। बाकी अगर हम वुडू पे जाते तो ये हमें पूरा देता है फैमिलियर का ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं एज अ फैमिलियर, क्योंकि ये सारे फैमिलियर्स के इक्विपमेंट यही बनाता है हमारा ठीक है गाइस। और इसके बाद हम आते हैं हंटर सेट पे, तो हंटर सेट पे यार तो ये भी आपको पता ही है क्या है, और इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल पैक खरीदना पड़ेगा बंडल, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ क्लिक किया देख सकते हो आप, इसके लिए आप जैसे कुछ नहीं करना, जरूरत है ना कुछ खरीदने की जरूरत है यार, आप कुछ नहीं करो ना, गिल्ड में ज्वाइन हो बस, बेस्ट है गिल्ड फेस्ट खेलते रहो। अब टिडल वाला भाई, टिडल वाली तो बात ही नहीं आ रही, देखो इन्फेंट्री अटैक 42 है, और नीचे अगर आप देखते हो तो आपको रेंज में भी कुछ मिल जाता है ठीक है, वो इन्फेंट्री में 35 और कैप 35 मिक्स सेटअप के लिए ठीक है। और उसके बाद फिर वही कुछ खास नहीं है। बॉन पिटी अगर आप देखते हो यार गाइस, तो बॉन पिटी से आपको यार ये जो एम्ब्रॉन्स कप बनाते हैं, जो एम्ब्रॉन्सियल कप, तो यार इन्फेंट्री रेंज अटैक 35-35% है, और इनके HP भी 21-21% है, बाकी अगर इसके ज़्यादा 35-35-14 देख सकते हो, इन्फेंट्री रेंज अटैक 35-35 है ठीक है। तो यार देखो दोनों में 35-35% अटैक है, बस डिफेंस क्या है, नीचे का रेंज डिफेंस और इन्फेंट्री मैक्स HP, और इसमें दोनों में HP है, तो ये डिफरेंस है थोड़ा बस यार, इसका यही है। बाकी अगर इसको करते हो तो रेंज अटैक और इन्फेंट्री अटैक 35-35 जैसा कि सेम है, बाकी इन्फेंट्री की HP सिर्फ 42% देगा, बाकी देख लो ये तीन है आपके सामने ठीक है। अब इसके बाद अगर हम क्वीन बी के ऊपर आता तो इसमें यार सेट ठीक है, इसका देख सकते हो आपको ये रेंज के लिए बेटर है। अब अपर देख सकते हो कैब एंड रेंज ठीक है, नीचे भी देख सकते हो कैब एंड रेंज, और थर्ड लेवल पे भी कैब एंड रेंज, और फोर्थ लेवल का ज़्यादा कुछ खास नहीं, तो थर्ड लेवल तक बेस्ट है, तो इनके देख सकते हो तीन तीन हैं जो कि यार बेस्ट है ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबको फोकस करके रखना कि आपको बनाना क्या क्या है ठीक है, कौन से मॉन्स्टर के कितने गियर्स बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना ठीक है। और ये बात याद रखना, सभी मॉन्स्टर के जो अब हिट करने जाते हो, हंट करने जाते हो, तो उसमें जो लाइनअप होता है ना, वो एक आधा हीरो का जरूर डिफरेंस होता है, कैब रेंज वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, क्योंकि यार सभी हीरोज़ के पता है आपको स्पेशल एबिलिटी कैब रेंज और सी और इन्फेंट्री ठीक है। बट अब जो हमारे हीरोज़ हैं वो दो पार्टों में डिवाइड है, फिजिकल एंड मैजिकल, मैजिकल में भी कितने हीरो हमारे पास, फिजिकल में भी कितने ही, चलो कोई नहीं। तो अब हम अपर वाला देखते हैं यार, यहाँ पे कैब और सी का अटैक 42% है देख सकते हो, तो ये बेस्ट है ना। उसके बाद अगर डाउन लाइन में आते हैं हम तो यार 35-35 सी का इन्फेंट्री, उसके बाद तो यार बेकार ही है मेरे हिसाब से, तो बाकी आपके हिसाब का कुछ कह नहीं सकते हम। और ये बड़ी मुश्किल से इसमें हिट कर पाते हो आप ठीक है, तो ये बनाना थोड़ा हार्ड हो जाता है आपको। बाकी ब्लैक विंग का सेट बेस्ट है, इसको आप जल्दी बना सकते हो, बट वही है यार जल्दी जो मेन इक्विपमेंट जो होता है ना इसका, ये क्या कहते हैं इसे, कहाँ गया, ये चीज़ नहीं मिलती यार जल्दी, मेरे पास है तो सही कुछ, चलो कोई नहीं मैं अपग्रेड कर सकता हूँ क्या, छोड़ो नहीं करना भी ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसका रेंज अटैक 42%, अगर डाउन में भी आते तो यार कुछ खास नहीं इसका ठीक है, कैब अटैक रेंज अटैक वगैरह वगैरह 40 ओ
14% है बाकी। अगर नीचे इसका ड्रैगन फिस्ट पे, तो कैब अटैक में मैंने इसको आपको अगर ध्यान दिया होगा तो आपको मैंने बोला था कि अगर इसको आप ऑफ हैंड के लिए एक मतलब वो सजेशन रख सकते हो आप, ठीक अल्टरनेटिव में अगर साइबर फंक के जाते तो ये भी बेस्ट है इसके लिए। क्या इन्फेंट्री अटैक, कैब अटैक देख सकते हो आप ऊपर, इन्फेंट्री 42 और कैब तो यार 35 है, ठीक है। और बाकी नीचे आते तो यार साइबर फंक का उतना मज़ेदार नहीं है, बस एक ही मेरे को ऊपर वाली सेट बेस्ट लगा। बाकी अगर डिफेंस के लिए ट्रैप वगैरह बनाते हो स्पीड के लिए तो ये बेस्ट है, ठीक है, इसको बना सकते हो आप। बाकी साइबर फंक का मस्त नहीं लगा, मैंने ऊपर बताया था एक मॉन्स्टर आपको उस पर फोकस करना, ये मॉन्स्टर भी यार कुछ खास नहीं। देखो ट्रैवल स्पीड वगैरह था, आर्मी कैपेसिटी, ये रिसोर्स गैदरिंग वगैरह जो करता है उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता नेरोसिस वाला मॉन्स्टर कुछ खास है, वही गेंडा सा जो आता है। अब इसकी बात कर लेते हैं गाइस हम, ठीक है। ग्रिम रीपर तो यार कैब अटैक रेंज अटैक देख सकते हो, रेंज कितना तगड़ा दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आते तो इसमें भी रेंज अटैक रेंज का तगड़ा, उसके बाद कुछ खास नहीं है। तो ये मॉन्स्टर भी मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको भी मारो, क्योंकि इसकी वैसे भी डैमेज बहुत ज़्यादा ले लेता है। आप चाहो तो 4 बार में अगर इसको लेवल 2 को किल कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ आते हो इस पे मॉन्स्टर पे हेल राइडर पे तो ये देख सकते हो यार इन्फेंट्री डिफेंस कुछ खास नहीं है यार इसमें, इसको मारना बेकार है, पाप चढ़ जाएगा, इसको मत मारो। हाँ समझ गया ना, डिफेंस वगैरह करना चाहते हो तो डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, बट पाप चढ़ेगा, इसको मत मारना आप। और मेगा मगोट की बात करें हम भाई, तो इसमें आप डिफेंस के लिए जैसे आप इसको बना लेते हो यार तो डिफेंस वगैरह ठीक है। देखो वॉल की एच पी 21%, आर्मी डिफेंस है प्लस में वॉल डिफेंस बूस्ट है, तो यार ये तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए इस पर मेहनत यार, ठीक है। क्योंकि यार डिफेंस के लिए जैसे हम सोते होते हैं रात को अगर स्काउट वगैरह में तो एंटी स्काउट में, तो इसको यूज़ कर लो, 3-3 यूज़ कर सकते हो, एसेसरी में आता है ये क्योंकि, ठीक है। और बाकी अगर यहाँ भी देख सकते हो इसका जो हेलमेट है सेडो हेलम, ये देख सकते हो ट्रैप अटैक 42, ट्रैप डिफेंस 42, इन्फेंट्री अटैक को छोड़ो वॉल डिफेंस बूस्ट 21%, तगड़ा है ना। अब इसके नीचे वाले देखते हो कैब अटैक 15 और ट्रैप अटैक और एचपी देख सकते हो, ट्रैप की एचपी 63% पता। और ऐसे ही नीचे जाते हो तो इन्फेंट्री एचपी वॉल डिफेंस 14%, तो नीचे कुछ खास नहीं, बस बेस्ट ये लगा ट्रैप अटैक भाई 42 और एचपी 63, कती जहर वाली बात आ गई यार। तो ये आप देख सकते हो, बाकी अगर इसमें जाते हो तो ये भी बेस्ट है, 42% दे रहा है और डिफेंस 21%, कतई जहर है। तो डिफेंस के लिए आप मेगा मगोट पे जा सकते हो, और ये जो है गर्गांचुआ जो भी है इस, ये भी बेस्ट है देख सकते हो आप इसमें, इसमें आप बना सकते हो। देखो एक तो अपर वाला जो है वो बना सकते हो कैब के लिए, एक डाउन में इसके जो है ये भी आप बना सकते हो कैब के लिए, और थर्ड लेवल पे जो है ना इसका फियर ड्रम, इसको भी आप कैब के लिए बना सकते हो। तो इसमें आप 3 मॉन्स्टर बना सकते हो, ये तो एक इसको भी आपको हिट करना है, ठीक है। मैंने 3 मॉन्स्टर के नाम रिकमेंड कर दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो है टेरोट्रोथोर, इसका देखो तो यार इसका भी ठीक है, इन्फेंट्री अटैक 49 देख सकते हो, और इसका डाउन वाला भी। तो इन्फेंट्री के लिए अगर जाते हो ना तो ये मैं कहूँगा इसको जरूर हंट करना। नीचे देख सकते हो इन्फेंट्री अटैक 38% हो गया, एसेसरी में देख सकते हो 3 इन्फेंट्री का इसे को यूज़ कर सकते हो, अगर इन्फेंट्री का 22% अटैक देगा, एच पी भी बढ़ाएगा और आर्मी डिफेंस और प्रोडक्शन भी आपका बढ़ा देगा। तो इसको भी मैं कहूँगा इन्फेंट्री सेटअप के लिए ये बेस्ट है आपका। अगर इसके ऊपर जाते हो जेड एफ आर्म के ऊपर तो इसमें देख सकते हो आप, इसका जो हेलमेट है वो भी ठीक है रेंज अटैक के लिए, फिर इसका ये रेंज एसेसरी में 3 लगा सकते हो आप। बाकी अगर इसके आप इस पे जाते हो वार्म रोड पे तो रेंज अटैक के लिए ठीक ठाक है, बाकी कोई सा भी ठीक नहीं है, बेस्ट बकवास, ठीक है। अगर आप स्नो बीस्ट सेट के ऊपर जाते हो तो यार इसमें रेंज अटैक कम है, इन्फेंट्री डिफेंस है, मतलब देख सकते हो कुछ खास नहीं, डिफेंस के लिए एक तरह से मान लो तो ये है। तो मैं नहीं कहूँगा स्नो बीस्ट को भी आप हिट करो यार मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी मर्जी है। बस ये है विंटर मिट्स थोड़ा ठीक है, क्योंकि इसमें आर्मी डिफेंस, आर्मी एचपी, इन्फेंट्री डिफेंस आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए विंटर मिट्स के अलावा कोई मेरे को बेस्ट नहीं लगा इसमें। अब लास्ट आते ग्रीफोन के पर, देखो ग्रीफोन क्या है, आर्मी कैपेसिटी, ये भी सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्पीड के लिए, बाकी ये भी मुझे कुछ बेस्ट नहीं लगा, ठीक है। आर्मी कैपेसिटी वगैरह होगी तो बेस्ट है इसके लिए। अब फ्रॉस्ट विंग के बाद तो यार कुछ आता ही नहीं। अब इसमें भी देख लो यार कुछ खास नहीं, अगर आप मेन हैंड के लिए जाते हो तो यार इन्फेंट्री और कैब अटैक देख सकते हो आपको 28% नीचे, फिर कुछ खास नहीं है देख सकते हो। तो यार फ्रॉस्ट विंग भी वो बात अलग है, फ्रॉस्ट विंग जल्दी मर जाता है, बट यार हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो मैंने कौन कौन से हीरो को रिकमेंड किया, मतलब उसको रिकमेंड किया बता देता हूँ एक बार। टेरिटरी ये जो भी था इसको रिकमेंड किया था मैंने, और एक इसको भी किया था मैंने, ठीक है। इन्फेंट्री के लिए ये,
और कैब के लिए, और रेंज के लिए भी मैंने एक बताया था ना कौन सा था, ये तो डिफेंस के लिए मेगा मट्टो था, मगोट। एक रेंज के लिए भी मैं बता के गया था, ये कौन सा था, ग्रिम रीपर का क्या था बताया था मैंने, रेंज अटैक, और इसका भी रेंज अटैक ठीक है, और अगर इसमें हम आते तो ये, मतलब दो ही ठीक है इसका, ठीक है रेंज के लिए। नेरोसिस को मैंने मना ही कर दिया था, ये तो किसी काम का नहीं है मेरे लिए भी। सेवरफन भी हटाओ, ब्लैक विंग को रखो, देखो रेंज अटैक 42 और इसमें रेंज अटैक 14-14%, तो ये भी कुछ खास नहीं, फिस्ट रख सकते इसका ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल को देखोगे इसको लगा कर रखते हैं एसेसरी में, बट यार देख सकते रेंज अटैक 14-14 या 42 14-14 42% यार अच्छा नहीं है ना। हाँ जी, तो रेंज का सेटअप मैंने एक बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कौन सा बता दिया मैंने, क्योंकि मैं देखते देखते आ रहा था ना यार जस्ट। तो ये हाँ, रेंज के लिए आप इसको कर सकते हो ठीक है, इसको क्या नाम है, क्वीन बी को ठीक है, रेंज अटैक 42 अपर में देखते हैं, हेलमेट में लगाओगे, और मेन हैंड में रेंज अटैक इसका क्या होगा 35, और अगर आप चाहते हो आर्मर में लगाना चेस्ट में तो रेंज आप लगा सकते हो इसको 35% और कैप के साथ देगा ठीक है। आप इसको भी, मतलब ये तीन मॉन्स्टर यार आप याद रख लेना और टेक अ चिल पिल ठीक है इस। बाकी आप देख सकते हो यार यहाँ और भी चीज़ें हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो हम नॉर्मली जाते हैं कहीं ठीक है, अब किसी भी हम मॉन्स्टर को यार नॉर्मली हिट करते हैं जाके बे मतलब में ठीक है, तो वो चीज़ यार बेस्ट नहीं है ना, अपनी एनर्जी वेस्ट करते, कोई नहीं यार एक एक्स्ट्रा हिट करना पड़े बट यार उसको हिट करो। देखो वैसे ही मुझे पता है आप जल्दी यार जितना हिट करते हो ना आपको जल्दी मिलता नहीं है जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट होती है ठीक है। जैसे मान लो अब इसी पे जाते हैं तो हमें इसका ये मटेरियल नहीं मिलता, इसका मतलब ये थोड़ी ना इसको मारना ही बंद कर दें हम हैं, तो कभी ना कभी तो यार मिलता ही है ना, तो इस चीज़ का हमें यार मेन फोकस रखना है ठीक है इस। तो मैंने जो तीन बताए हैं उस पे याद रखना, बाकी गोरिल्ला बेस्ट है, गोरिल्ला को भी आप यूज़ कर, कैब के लिए देखो मैंने दो बता दिए ठीक है, एक ये बताया कैब के लिए और एक और मैंने बताया था, कौन सा बताया था, एक ये बताया था मैंने ठीक है। तो ये दोनों ही बेस्ट है कैब के लिए भाई, मैं तो ये कहूँगा दोनों ही, क्योंकि अगर इस पे जाता तो मान लो ड्रम सिर्फ 22% का अटैक कैब अटैक देता, और गोरिल्ला का अटैक देखोगे भाई जो गोरिल्ला का एसेसरी है कैब अटैक 35% देता है गोरिल्ला का एसेसरी, ये है देख सकते हो। बाकी आप इसको मेन हैंड में रख सकते हो, योन एक्स को 52% देगा समझ गए गोरिल्ला के लिए, जिसको भी आप गोरिल्ला को भी रख सकते हो कैब में, बट ये है जैसे ये देख सकते हो मेन हैंड में दे रहा है ठीक है, और ये एसेसरी में तीन ले लोगे तो 35 + 105 ये हो गया 52, ये हो गया 105 160% मान लो ठीक है, अभी 160% मान लो इसका ठीक है। और अगर हम जाते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर जाते हैं तो इस पे देखो आप कितना कर पाओगे, 52% तो ये हो गया। फिर कैब का हमने मेन हैंड पे भी लगा, वो तो लैग का 52%, मेन हैंड पे कैब लगा दिया तो कैब अटैक 42% हो गया, तो ये कितना 94 हो जाएगा। अब ये 22 66 66 और ये क्या बात, कितना हुआ था यार 94 हुआ था ना, हाँ 94 66 100 140% तक जाएगा ये आपका ठीक है तीनों मिलाकर। और अगर आप उस पर गोरिल्ला पे जाते तो मैंने कितना 160 के आसपास बताया था ना, हाँ देख सकते हो 52 और 35 105 160, तो यार 15% मतलब 20% का डिफरेंस है। तो बाकी आप देख सकते हो यार कौन सा आपको बनाना है कौन सा नहीं, भाई मैंने तो सारे सेटअप बता दिए आपको क्या करना चाहिए क्या बनाना चाहिए क्या नहीं। देखो यार गियर्स की मेन नॉलेज होनी चाहिए यार इस गेम में, अब बताओ मैंने इतने सारे गियर्स पहले बना दिए थे, मैंने कई वीडियो में बताया मैं स्टार्टिंग में ऐसे जो मर्जी गियर्स बनाता था, बट मैं एक गियर्स के ऊपर पर्सनली एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, इस बात को टेंशन मत लेना, स्टार्टिंग से हम कैसे कैसे गियर्स को हमें अपग्रेड करना चाहिए ठीक है, ताकि आगे चल के आपको परेशानी ना हो, आपके मटेरियल वगैरह फिनिश ना हो ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करेंगे ठीक है। तो इस चीज़ का यार सबको ध्यान रखना है ठीक है, गियर्स बहुत ही मेन चीज़ होती है, हम फालतू में देखो मैंने कितनी ही चीज़ें वेस्ट कर रखी, कुछ भी बना देता था मैं यार लेवल के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ नहीं करनी है यार हमें, मैंने तो कर लिया आप सब मत करना यार, बाकी थोड़ा और वेट करो अभी जो मतलब लेवल 25 का कैसल पे अब तक नहीं पहुंचा है, और मतलब लेवल 5 छोड़ो 25 छोड़ो, अगर आप अब तक लेवल 60 तक नहीं पहुंचे हो तो यार अभी गियर्स पे फोकस अभी मत करना ठीक है, जब तक मैं वीडियो ना डाल दूँ। कंस्ट्रक्शन और रिसर्च के ही बनाना, जो भी कौन कौन से बनाना जस्ट आप चेकआउट कर सकते हो ठीक है, चेकआउट मैं क्या बताऊँ, यहाँ ही पे चले जाना आप इक्विपमेंट्स पे, इस पे ऑल इक्विपमेंट्स पे ठीक है, इस पे क्लिक करना और फिर यहाँ फिल्टर ले लेना ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्पीड ले लेना, फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो कौन कौन सा आ रहा है, जो ज़्यादा दे रहा है उसको बना लेना। और यार गैदरिंग करना मत भूलना,
पहले बता रहा हूँ, गियर्स बढ़िया बनाना है कंस्ट्रक्शन रिसर्च वाले, तो गैदरिंग करना मत भूलना, क्योंकि गैदरिंग के मटेरियल से ही आपका कंस्ट्रक्शन और रिसर्च वाला गियर बनता है। जितना आप गैदर करोगे उसके साथ कुछ ना कुछ मिलता है, आपको इस चीज़ का याद रखना हमेशा। ठीक है गाइस, तो यार वीडियो बहुत लंबी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।